हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। ये बताइए कि क्या केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है? दुरुपयोग सत्य है। आप मीडिया वाले भी खुद जान रहे हैं, हम लोग टीवी और ऑनर एडवर्टाइजर से हम लोग देखते हैं कि ये दुरुपयोग। आप अच्छे आदमी हैं, आप कहते हैं मैं नेक हूँ, बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आप एक आस्था लेकर, एक आस्था है मीडिया हमारी क्या है, या हमारे ये जो आप सीबीआई हैं, सीबीआई एक एनजीओ है या एक जो भी केंद्रीय सरकार उनको भेजे कहीं, तो सोच के ना भेजना चाहिए कि हम किसके यहाँ भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, उनके इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए हम लोग हैं कि नहीं। और वैसे भेजते तो ये सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग कर रहे हैं उनका। क्या लालू यादव को सीबीआई जो केस किया है वो फंसाया गया? वो पता है उनकी, तो आप देख रहे हैं भाई, जबरदस्ती फंसा कर जब तक वो अगर अभी बाहर रहते, हमारी सेवाएं, हमारे सेवा, वो ऐसा सेवक थे जो जनता का समाज सेवी थे, जिनको इसलिए उनको बाहर कर दिए, वो अंदर कर दिए हैं, बाहर करना नहीं चाह रहे हैं कि हमारी रास्ता में रोड़ा बनेगा। तो एक लालू यादव के, अब ये लालू यादव बनते लेकिन उसके जगह पर अभी जो है तेजस्वी को हम तैयार कर रहे हैं, हम लोग तैयार है, एकजुट है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम युवा साथ हैं। एक सवाल जी, आप नारे लगा रहे हैं इतने हौसले के साथ, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव मोदी जी, पीएम मोदी जी और सीएम नीतीश कुमार जी की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? 100% आपको मैं एक बात याद दिला दूं, जो भी सुन रहे हैं उनसे मैं याद दिला दूं, अगर भारत को आजाद करने का अगर मौका मिला हो तो वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का आपको याद कर लीजिए, वो कौन था, कहां का था और कौन था, बिहारी था। आंदोलन की बात छोड़िए, ये बताइए कि नीतीश जी ने बिहार में विकास किया है कि नहीं? बिहार में कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कुछ नहीं बिहार सरकार का, कौन सी बिहार में तो सड़कों की जाल, देखिए हमारे यहाँ 24,000 सड़क है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का 24,800 समथिंग रोड है, उनमें आप एक मिनट सुनिए, आप हमारे साइड पर कई साइड है, 24,000 में 18,000 रोडों पर एलिगेशन लग गया है, सब पर रेंट पर उनका सुविधा दिया है, जनता को उतना समय नहीं है जाकर के उस साइड पर, वह कंप्लेन ले करेंगे, जाके देखिए जहाँ जिस जगह पर पुला नहीं बनना चाहिए वहाँ पुला बना रहे हैं, क्या करप्शन है आपको अभी नहीं। मीडिया भैया से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मोरना प्रखंड के ये कहना चाहते हैं कि ये जो सड़कें बनवाई जा रही है ये भ्रष्टाचार के लिए बनाई जा रही है? जी, सड़कें जो बनाए जा रहे हैं आवश्यकता की, जहाँ हमारे जनवाओं क्या, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी बोले हुए थे, जहाँ 500 घर की आबादी होगी वहाँ सभी को प्रधानमंत्री योजना से सड़क से उन गाँव को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसे काम करने के लिए कुछ हुआ है लेकिन सम्मानजनक नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमको 360 बीघा जमीन मरोना प्रखंड में, सब जमीन को गबीन घर बना दिया है लोग को, जनता के एकदम नी घर बना दिया है मोदी। चलिए हो गया ये, आप बताइए कि पीएम मोदी के 5 साल के काम काज को आप किस तरह से देखते हैं? जो भी देख रहे हैं गलत चीज से जूझ हो रहा है, मतलब कोई भी काम उसका हम जो है कोई अच्छा नहीं लगता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी जात हो, उसको मतलब बुरा ही नज़र से उसको यूज करता है मोदी जी को। आप सोचिए वो क्या करने के लिए चाहता है, वो तो मोदी को खुद को पता है। मोदी जी ने कहा कि हम ब्लैक मनी लेकर आएंगे, क्या आपको लगता है कि 5 साल बाद आज वो इस अपने जो वादे किए थे उसमें कामयाब हुए हैं? नहीं हुए, कुछ नहीं, मनी कर दिया है, कुछ नहीं है, कहीं से पैसा ब्लैक मनी नहीं आया है, यह सब इनका धोखा था या एक सपना था उनका। अगर ब्लैक मनी कहीं से आया है तो बतावे, नाम सार्वजनिक करे कि मैंने इतना काला धन को आपके बिहार में या आपके भारत देश में ला करके लोगों को दिया। 15-15 लाख रुपए का दावा करने वाले व्यक्ति ये पलटू राम है, ये जीरो बैलेंस पर लोगों को खाता खुलाया है। देखिए कहीं कोई कहीं हर जगह विद्रोह है, हर जगह लोग तबाह है, परेशान है इस सरकार नरेंद्र मोदी से। किसान जो है स्व आत्महत्या कर रहा है, समय पर उसको खाद नहीं मिलती है,
जहां भी नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं, ये बिहार के आम आवाम जनता और गरीब के लिए ये गलत है, जिसमें ये पलटू राम नीतीश कुमार सृजन घोटाले के डर से रातों रात जाकर के ये नीतीश कुमार जाकर के मोदी का चरना अमृत पिए हैं और ये लालू यादव के परिवार को फंसाने का काम कर रहा है। इसलिए पूरा बिहार इस बार सख्ती से तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जय हिंद जय राजद करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बताएं, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी की आज यहाँ रैली हो रही है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को, सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? आरजेडी से दे रहा है, टक्कर दे पा रहा है, हम लोग आरजेडी के साथ आरजेडी टक्कर दे पा रहा है। अभी सबसे अच्छा नेता ही है जो लालू प्रसाद का दिया हुआ अभी जो सबको मुंह में बोल दिया है और सब कुछ किया है, अभी उसी को खिलाफ कर रहा है, उसको जेल दिया है, राजनीति के तहत गया है। है आपको तेजस्वी जी टक्कर दे पाएंगे मोदी जी नीतीश जी को? बिल्कुल नया चेहरा है, बिल्कुल नया चेहरा है, युवा है, हम लोग तो कोशिश करेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी बने। आप बताएं, पूरे टक्कर दे पाएगा? पूरे बिहार में कोई भी काम नीतीश कुमार का सरजमीन पर इस 10 वर्ष में नहीं चल रहा है। हाँ, हम मानते हैं नीतीश कुमार का काम चला था फर्स्ट 5 साल में, लेकिन 10 वर्ष से पूरे धीरे धीरे बिहार को गत्तर में दे रहा है। जहाँ तक धान अधिप्राप्ति की बात है, धान अधिप्राप्ति में देख लीजिए PMFS लागू कर दिया है, अभी एक भी किसान का रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी है, किसान निबंधन करने में परेशानी है, एक तरह से चंद किसान का धान नहीं बिक रहा है पैक्स में, कैसे लाभ दे पाएंगे? और सब राज्य में जहां कांग्रेस की अभी अभी हाल में हुआ है चुनाव, वहां भी किसान को दिया है क्या कहते हैं बोनस और कर्जा माफ दिया है, लेकिन बिहार में अभी तक बोनस आज 5 साल से 7 साल से नहीं मिल रहा है। मोदी ने किसानों के लिए बोनस का ऐलान किया है, 5-6 हजार सालाना किसानों को पैसे मिलेंगे, क्या ये किसानों के लिए राहत नहीं है? राहत है, लेकिन ये लॉलीपॉप है, जैसे 15-15 लाख बोले थे कि खाता मांगे, वही किसान के लॉलीपॉप है। किसान को देना चाहते हैं तो बिहार के किसान को दे पूरा कर्जा माफी दे, इलेक्शन आया तो। और खेती करने के लिए जो किसान अभी मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं, उनको आर्थिक मदद चाहिए करने के लिए, करे कि मोदी, लेकिन नहीं कर पाएंगे, सब लॉलीपॉप है, 2000, 1000 की 6000 सालियाना देकर। बिहार में सुशासन है या नहीं? अभी नहीं है। सुशासन देखिए, आप मीडिया में, पत्रकार में, हम लोग पेपर में, समाचार में दिन रात बलात्कार, हत्या, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है, शराब का बहार है, और शराबबंदी जो किए हैं, क्या शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद हुआ है बिहार में? कहीं बंद नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार की जो शासन है, उनका जो चमचा बेलचा है, उनका जो लोग हैं, उनका दारू के कारोबार में सब लिप्त हैं, सब दारू बेच रहा है और दोबर पैसा में बेच रहा है, और थाना को बांध रखा है, यहाँ का मंत्री, विधायक, सब SP को, DSP को, थाना को बांध करके रखा हुआ है। पीएम मोदी जी कह रहे हैं, BJP कह रही है कि देश रसातल में चला गया था इन 70 सालों में, देश को पटरी पर लाने में उन्हें 5 साल लग गए हैं, एक मौका उन्हें और मिलना चाहिए। बताए कौन सी पटरी पर लाए हैं? वो पटरी पर लाए हैं तो वो बताए कि कितना विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, वो बताए कि कितना एम्स खोल दिए हैं, वो बताए कि क्या क्या दिए हैं। 70 साल में जो दिया, हमारे सरकार का दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ बात को मरते हैं, वो बताए कितना विश्वविद्यालय खोला है बिहार में। लालू यादव जो विश्वविद्यालय खोला, उसके बाद कितना विश्वविद्यालय खोला, कितना कॉलेज बनाया, क्या बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया? ये जो है नीतीश कुमार, ये कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, कुर्सी कुर्सी। ये बताइए, बिहार में सड़कों की जाल
है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, फिर आप उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? सड़क का हाल अच्छा है या बुरा है आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, उसका आलोचना ये करते हैं उसका कानून व्यवस्था फेल है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अभी देख लीजिए, एक हम लोग भी ट्रांसपोर्ट लाइन में है, ट्रांसपोर्ट लाइन में है, हम लोग का गाड़ी 8-8, 10-10 दिन से खड़ा है, बंद है। आप बताइए, आप ही बताइए कि हम फाइनेंस पर गाड़ी लिए हैं, अगर आपका पुल टूटने वाला है तो उसका व्यवस्था कौन करेगा? उसको करना चाहिए, पहले से सोचना चाहिए कि ये पुल हमारा धंसने वाला है, तो उसके बगल में समांतर पुल बननी चाहिए। यहाँ पर पैसे की लूट मची हुई है, एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी आती है अगर झारखंड से सुपौल पहुंचने में 10,000 रुपया पुलिस लेती है। ये बताएं, बालू बंदी से आप लोग के जीवन पे कोई असर पड़ा है? असर है, हम लोगों का घर बनना भी मुश्किल है, कि जो बालू का कीमत इससे 6 महीना साल भर पहले कुछ था, अभी जो है सो वह बालू का कीमत क्या है? जो घर बनाने के लिए चाहते भी हैं तो हम लोग को हिम्मत नहीं हो रहा है, गिट्टी का भी वही हाल है। अब क्या कहना चाहे, हम चाहते हैं हम लोग कि ये जो नीतीश जी शराबबंदी किए हैं, ये नीतीश कुमार है बिहार में और शराब का बहार है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि सुपौल से लेकर के कोसी की जो मुख्य धारा कोसी की बांध है, इस किनारे में जो शराब का बहार नेपाल से चलता है, इसमें बिहार सरकार के तमाम थाना प्रभारी इन्वॉल्व है और यही लोग शराब का व्यापारी करवा रहे हैं। वित्त मंत्री और विधायक को मोटी रकम महीना में देते हैं और शराब का जो खुलायाम, गाजा का खुलायाम वित्त होता है नीतीश कुमार में। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सुपौल जिला में जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं वह सब शराब पीने वाले होते हैं, व्यापारी नहीं। व्यापारी सभी लोग जदयू और भाजपा से तालमेल में है जुड़े हुए। ये हाँ बताइए, ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है या नहीं? शराबबंदी नहीं है, खुलेआम है, खुलेआम बिक रहा है, जो 100 का माल था 500 मिल रहा है, खूब लोग पी रहा है, वो पैसा बिहार का जा रहा है, झारखंड जा रहा है, बंगाल जा रहा है, नेपाल जा रहा है, पुलिस का कमा बढ़ रहा है। अभी जो है ई विक्रमशिला पुल का लिस्ट लीजिए, जो ऑनर 5,000 रुपया लेता है और रात में गाड़ी टपाता है, जो 5,000 रुपया नहीं देता है उसका गाड़ी उस पार ही रहता है। बताइए कहानी चल रहा है, क्या बता रहे हैं आप? नीतीश के राज में यही चल रहा है, जो गाड़ी 5,000 रुपया देता था पुला पार होने देता, नहीं तो खड़ा रहने देता उधर, और पुलिस वाले गाड़ी पे 10,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा लेता है। मोदी जी आएंगे दोबारा की नहीं? नहीं दोबारा नहीं आएंगे मोदी जी और नीतीश जी, दोबारा नहीं आएंगे। ये पलटू राम क्या करेंगे, आकर के दारू बंद करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दारू खुला आम चल रहा है। मोदी जी से क्यों नाराज है? मोदी जी से क्यों नाराज? मोदी जी से यही नाराज है, जो दारू बंदी करवाया नीतीश फिर भी दारू चल रहा है, सारा चीज करवा रहा है लेकिन फिर भी खुले आम चल रहा है वो चीज। आप बताइए क्यों नाराज है, मोदी जी से क्यों नाराज है? नाराज इसलिए हमसे आप जो कह रहे सुशासन नहीं है, कुशासन है। एक गाड़ी पे वहाँ से मिर्जा चौकी से आने में 10,000 रुपया पुलिस लेता है, इसीलिए हम इसको कुशासन कहते हैं। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।